यहाँ पर देखो गाइस, ये हमारे पूड़े बन रहे हैं, है ना। गोलाप बहुत ही टेस्टी पूड़े खाए आपने, बहुत टेस्ट लगते फ्रेंड्स। पूड़े खा लो आके गरम गरम। हाँ, और उसके कहें के बन रहे हैं, उसके काशी फल के तो और भी टेस्टी लगते हैं ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सानी व्लॉग 15 में। और आप सब कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। सब फ्रेश हो चुके हैं, भाई नाश्ता कर रहे हैं, जैसे देख पा रहे हो, है ना। और उधर पापा क्या कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा टूट गया था ना ये, मतलब बैठ गया पानी से, तब इसलिए इसको जो सही कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर नाश्ता बना रही है। नाश्ते में क्या क्या है? हाय फ्रेंड्स, नाश्ते में है आलू और रोटी और चाय और दूध। आलू रोटी चाय और दूध, हरे दही की चटनी। अच्छा, तो ये नाश्ते में है हमारे। और देखो कपड़े वगैरह ऐसे पड़े हुए अभी, और बाकी बिस्की वगैरह तो ऊपर ही है। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं सब ऊपर क्या कर रहे हैं। बाकी ने तो मतलब सब ने नाश्ता कर लिया है। देखो मोर इधर और यहाँ पर। गाइज, ये बाहर कल घूमने गई थी और रात को 12 बजे आई। हम इसका वेट करते रहे। हम सोच रहे कि कहीं कहाँ चली गई। तो हम इंतजार कर रहे थे इसका, और अब देखो कहीं सो रही है ये। अब सो रही, मैं ऐसे रात 12 बजे आई तो अब नींद आ रही इसको। ऐसी बिस्की है। यहाँ पर मम्मी क्या कर रही है? क्या तुम लंच वगैरह क्या बना रहे? तुम कुछ कर नहीं रहे? फ्रेंड्स, अब हम बनाने वाले हैं कढ़ी चावल, और आप खा लीजिए आलू चटनी रोटी चाय दूध। अच्छा, धनिये की चटनी। तो यहाँ पर देखो मम्मी ने साफ कर दिया, देखो पूरा यहाँ से, है ना। और बिस्की का सोने में लगी हुई है, अभी तक देखो सो ही रही है। और यहाँ पर बर्तन धुल रही है, क्योंकि नीचे आपको पता ही है वो टूटा हुआ है, तो सही करेंगे उसको, इसलिए यहाँ पर धुल रही है बर्तन। और मुझे क्या करना है, पापा ने बोला था कि मुझे ये रेता इसमें छानना है, रेत छानना है ना, क्योंकि थोड़ा काम करेंगे शायद किचन का, है ना। इसको पूरा ही करते हैं फटाफट से, तब इसलिए मैं अब रेत छानूंगी। फ्रेंड्स, ये जो पूरा रेता था मैंने पूरा इधर निकाल दिया, देखो है ना, यहाँ पे है, अब सब इधर आ गया है। और यहाँ पर कड़ी बनने की तैयारी चल रही है हमारी। और यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है भाई के लिए नहाने के लिए, तो फिर बिस्की सो रही है, तो मैं ये पानी उतार देती हूँ। यहाँ पर देखो भाई भी आ चुके हैं खेत से, और पापा भी आ चुके हैं। और क्या चाहिए पानी? दोस्तों, मैंने अपने फिटनेस 15 के चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, तो प्लीज जा कर उसको देखिएगा। और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता हूँ, और फैट रिलेटेड जो वीडियो है जिसमें आप अपने मोटापे को, अपने वजन को कैसे कम कर सकते हो, तो उसमें मैंने बताया है। तो जा कर के आप मेरे चैनल पे मोहित फिटनेस 15 पे जा कर के देख सकते। आवाज भी नहीं निकल रही आपके, तो जाके देख सकते हो आप, ठीक है। बढ़ सके, मैंने अपने चैनल का लोगो या चैनल का नाम बढ़ सके अकाउंट पे यूट्यूब बढ़ सके यूट्यूब अकाउंट पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर बन चुकी है हमारी क्या पकौलिया। कौन खाएगा पकौलिया? देखिए आलू देखनी है, देखो और निकलो। बहुत टेस्टी हो रही है, आप भेजो। मैं बताऊँ इतनी अच्छी ना कड़ी में डालने के बाद नहीं लगती जितना भी लग रही है ना। मम्मी पानी पकौड़ी ऐसे गर्म धूम पक गई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चावल साफ हो गए हैं और मैं फटाफट से गैस में नीचे चावल रखने जा रही हूँ कुकर में, तो मम्मी अब चावल दे रही है मुझको साफ करके। और इधर हमारी कढ़ी छुक चुकी है, अभी आलू डाल रही है इसमें, बस बन जाएगी जल्दी से ये। और इधर पापा ये जो मेरे छाड़ा था ये बजरी एक साइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई ये बैठ रखे हैं, इसकी सो रही है, सब अपने अपने काम में लगे हुए है ना। बन चुका है हमारा लंच और इधर ये मसाला भी बना दिया पापा ने, और ये हमारी होगी तैयार लंच कढ़ी चावल। और फिर इसको लंच करने के बाद फिर इसको करना है ना किचन वगैरह को, तो इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट से काम फाइनल करते हैं। बिस्की ने भी दूध पी लिया, अब देखो वहाँ जाके बैठ गई, और यहाँ पर ये पक रही है अभी चूल्हे पे अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारा लंच वगैरह सब हो गया था जिससे कि आपको पता है ना, और पता है बहुत तेज हवा चल रही है और सीमा टैंक से पानी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्योंकि लंच के जो बर्तन थे वो धुलने हैं अब सिर्फ, वो इसलिए पानी निकाल रही है। पानी निकाल रही तू? पानी क्यों निकाल रही कुएं से? पानी क्यों निकाल रही तू कुएं से? ए इसे कर या हराने के लिए भी कुएं से पानी क्यों निकाल रही? पानी मत निकालो, कुआं सूख जाएगा। पापा मांग रहे मसाला और आधे, तो हमने जा रहे हैं मसाला आधे। भाई तो कुछ करना नहीं है, सिखड़ना। इस देखो हमारी विश्की ने पी रखी है आज, क्योंकि वहां पर शादी थी ना, वो खत्म होगी इसलिए उसने कल शादी थी तो आज इसने पी ली थी। रात गई थी ना ये, आई थी 11 बजे तो वहीं से पी के आई थी, अपना पी पा के आराम से कर दिए। पता पहला पी पा के तब गेट खुलवा रही, तब ये जो सामने बैठ रही ना ये उठी, विस्की आगे खोलो गेट खोलो है ना। मम्मी बोलती बोल विस्की की माँ है ये। तब अभी तक चढ़ी हुई है विस्की को ना, तब इसलिए वैसे यूं सुबह से यूं ही पड़ा वो टांग फैला के सो रहा है। तब देखता अब शाम तक उतर जाएगी, तब उठेगी तब करेगी वाह वाह, तब इसे दूध देना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कितनी रात हो गई है ना, और अब हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, पूड़े बना रहे हैं हम। पूड़े बहुत टेस्टी होने वाले हैं हमारे गेहूं के आटे के पूड़े। एक तो काशी फल के भी बनते हैं, कितने अच्छे होते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी ना गेहूं के आटे के बना रहे हैं पूड़े। तो इसमें ना ये वो मीठा पानी मतलब चीनी का शरबत बना रहे हैं, फिर उसको उसमें डाल के इसमें आटे में, तब उसको ऐसे से मतलब पांग सी घोल के, और फिर हम उसको पूड़े बनाएंगे ठीक है। जब बनेंगे ना तब भी दिखाएंगे हम आपको, तो आप बने रहे ब्लॉग में। देखो चूल्हे में कितनी तेज आग जल रही है, देखो यहाँ पर बनने वाले हमारे पूड़े। ये मम्मी ने इसको ऐसे कर लिया है गरम पानी डाल के, मतलब मीठा गरम पानी डाल के। इधर हमारा तेल तेज हो रहा है, यहाँ पर देखो गाइस ये हमारे पूड़े बन रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी पूड़े खाए आपने, बहुत टेस्ट लगते हैं फ्रेंड्स, पूड़े खा लो आके गरम गरम। हाँ और उसके बन रहे हैं, उसके काशी फल के तो और भी टेस्टी लगते हैं ना, ये तो आटे के बन रहे वैसे ही। ये अपना मन कर रहा था ना तो अपना टाइम पास कर रहे गाइस। आप भी खाना है गुलगुले, कोई लोग गुलगुले भी बोलते ना, गुलगुले गुलगुले अच्छा लग रहा है। निकाल दो निकाल, धुआं भी काफी लग रहा है गाइस यहाँ पे, आग भी नहीं खुल रही, हवा चल रही ना।
देखो गाइस हमारे पूड़े बनने वाले हैं, है ना, बस थोड़ा शोर बचा है और फिर बन जाएंगे। तो हम सीधा नीचे जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर हवा चल रही है, ठंड भी लग रही है। तो फिर अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बताना कि आपको पूड़े कैसे लगते हैं, है ना, और जल्दी से हमारे घर पर भी आ जाओ खाने के लिए, कमेंट करना। और फिर मिलेगा आपको नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए टाटा।